ये वीडियो का अंत है और इस बारी अंत की गरज है, उतनी ही गरज जितना कि इन बादलों को है। मैंने विश किया था कि वीडियो के एंड में बारिश हो जाए। आप विश्वास नहीं मानेंगे पर हो गई। कभी कभी भगवान पूरा साथ देते हैं। बीच में बताऊंगी कि क्यों बारिश चाहिए। अभी के लिए शुरुआत में चलते हैं जब सुनहरी धूप खिली थी। खुर्जा पॉटरी हॉल पार्ट टू में आपका स्वागत है। असली माल इस वीडियो में है, सारा सामान एक ही दुकान से लिया, मार्केट एक्सप्लोर नहीं कर पाई। दो घंटे थे मेरे पास, दो घंटे में फैक्ट्री टूर प्लस शॉपिंग प्लस शूटिंग, तो टाइम थोड़ा कम था। फैक्ट्री लास्ट वीडियो में दो मिनट में कवर हो गई। असल में इट वॉज अ लॉन्ग टूर एंड सिंस आई एम इंटरेस्टेड इन पॉटरी आई हैव अ व्हील टू, तो इवन दो मार्केट जाने की जल्दी थी पर फैक्ट्री टूर पाकर बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे जाकर जब मैं खुद के हाथों से कोई पॉट बनाऊंगी, उसको ग्लेज करूंगी, तो कम से कम आप में से किसी एक को भेज पाऊंगी। इतना खूबसूरत तो नहीं बनेगा पर दिल से बनेगा। जिनकी फैक्ट्री थी उन्होंने ही ये शॉप रिकमेंड की। इस शॉप की एक छोटी सी ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, आपको सुनकर अच्छी लगेगी। मैंने सुनी, मुझे भी अच्छी लगी और मुझसे ज़्यादा अच्छी लगी अभिषेक को। आने के चार दिन तक अभिषेक ने वो स्टोरी रिपीट की। अगर आपका हॉल में इंटरेस्ट ना हो तो नीचे टाइम स्टैम्प है, उसमें क्लिक कर डायरेक्टली स्टोरी में जंप कर सकते हैं। स्टोरी सुनकर जाइएगा और अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई हैव दीज टू प्लांटर्स, दे वर इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर कलर्स टू। मेरे फार्म की साइज का है, अच्छी क्वालिटी का है, हैवी है और इनके मैं ये कुछ प्लांट्स भी लाई हूँ। सबको पता है प्लांट्स एनवायरनमेंट और हमारे लिए अच्छे होते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हर घर में कुछ ना कुछ इंडोर प्लांट्स भी हों। पौधों के लिए और ये वाला नकली के लिए खुर्जा में ये सेम प्रिंट आपको अलग अलग सामानों में दिखेगा। बहुत कॉमन प्रिंट है, मुगल फील देता है। मैं अपने एक रूम की थीम ब्लू और येलो रख रही हूँ तो मेरे लिए तो परफेक्ट है। और इसके लिए लेकर आई मैं ये कुछ कुश के फूल। किसने बताया कुश बोलते हैं, किसने बताया कास बोलते हैं और खस भी बोलते हैं, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। नेचर की कृपा से ये मुफ्त में मिला है, आपको बताया कहाँ से लाई हूँ। किसी ने ये भी बताया कि ये शट करने लगेंगे, तो उसी डर से मैंने कुछ फ्रेम कर लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और नेचर ड्राई करके देता है, तो झंझट नहीं है ड्राई करने का। और इससे याद आया, कईयों ने पूछा था फ्लावर प्रेसिंग वाली वीडियो में कि क्या मोल्ड नहीं लगेगा फ्लावर्स में, तो अगर आप फ्रेम करने से पहले ठीक से प्रेस एंड ड्राई कर रहे हैं फ्लावर्स तो मोल्ड नहीं लगेगा। जैसे किताब में गुलाब कई सालों तक सही रहता है, अच्छे से रहता है, वैसे ही फ्रेम के अंदर भी फ्लावर्स अच्छे से रहेंगे। पर सबसे अच्छा रिस्क फ्री ऑप्शन यही है कि ऑलरेडी ड्राइड प्लांट्स फ्रेम कर दिए जाएं। गिलहरी की बहुत सारी आवाज़ आ रही होगी आपको वीडियो में, मुझे दिख रही है वो गिलहरी। ओ गिलहरी बहन, थोड़ा सा कॉफ़ है। एनीवे, फिर है ये होल्डर। जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रिंट बहुत फेमस है खुर्जा में, बहुत सारे सामानों में दिखेगा। ये बड़े साइज का है, फिर एक मीडियम साइज का है और फिर स्मॉल साइज का है। ये वाला चम्मच और कांटों के लिए है, मैं इसमें अपने पेंट ब्रशेस और पेंट सप्लाईज रख रही हूँ। और इस वाले में मैं अपने मेकअप ब्रशेस रख रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा नहीं है तो आराम से फिट आ जाते हैं। और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ये बहुत प्रिटी लगता है। और ये वाला कुछ पेन एंड पेंसिल के लिए। दे आर गुड क्वालिटी, हैवी, प्रिटी क्यूट। एक ही कमी थी कि बस इन दो प्रिंट में ही अवेलेबल थे। अंदर थोड़ी धूल जमा थी जो आराम से पानी से वॉश ऑफ हो गई। फिर है ये टिश्यू पेपर होल्डर, एक साइड ब्लू प्रिंट है, एक साइड ग्रीन प्रिंट। ये भी मुझे दो ही प्रिंट में दिखा, एक तो ये वाला प्रिंट और एक द फेमस मुगल प्रिंट। बट आई एम क्वाइट श्योर पूरे मार्केट में आपको और वेराइटी मिल जाएगी। बहुत स्पेस है इन बिटवीन, सो यू कैन प्लेस अ लॉट ऑफ टिश्यू पेपर्स इन देयर। फिर है ये टी लाइट डिफ्यूज़र, मेरा फेवरेट परचेज, बहुत ही इनोवेटिव क्रिएशन है। नीचे आपको टी लाइट कैंडल डालनी है, कैंडल आपको आराम से अमेज़ॉन में मिल जाएगी। टी लाइट कैंडल को टी लाइट कैंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि नीचे
कैंडल डालनी जाती थी और ऊपर केतली होती थी जिसके अंदर होती थी चाय, और कैंडल चाय को गर्म रखने के लिए हेल्प करती थी। इस केस में इस केतली के अंदर चाय नहीं रखनी है, इसके अंदर रखना है पानी और एसेंशियल ऑयल्स की कुछ बूंदें। थोड़े समय बाद वो फ्रेग्रेंस हवा में घुल जाएगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। और यही डिफ्यूज़र रीज़न था कि मैं चाह रही थी बारिश हो जाए। कैमरे के ज़रिए आपको बताना था कि बारिश के दिन कितना खूबसूरत लगेगा। कभी कभी भगवान साथ दे देते हैं। When I have got this lamp cum diffuser, इसके साथ तभी justification होगा जब इसको रात के अंधेरे में जलाया जाए, तो वही करते हैं। ये डिफ्यूज़र भी है, यहाँ देखिए पानी के साथ एसेंशियल ऑयल्स की कुछ बूंदें, लैम्प हीट अप करेगा वाटर को एंड द फ्रेग्रेंस विल डिफ्यूज इनटू द स्पेस। अगर बल्ब की उम्र हो जाए तो यहाँ से बल्ब रिमूव कर सकते हैं, बल्ब डिफरेंट कलर का भी लगा सकते हैं। मुझे तो येलो लाइट ही पसंद है, तो मेरे लिए परफेक्ट है। देन आई हैव दिस सेट फॉर द बाथरूम। ज़रूरी नहीं है कि पूरा सेट ही लेना है, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। दो बाथरूम है घर में तो मुझे दो सेट ले लेने चाहिए थे, पर मे बी नेक्स्ट टाइम। और ये है टूथब्रश होल्डर, ये वाला है टूथपेस्ट होल्डर, और ये है आपके सोप के लिए। देन आई हैव दीज टू बोल्स, बहुत प्यारी हैं, क्यूट हैं, सुंदर हैं, माइक्रोवेवेबल हैं और ऑफ कोर्स लेड फ्री ग्लेज से ग्लेज हुई हैं। और नेक्स्ट है ये ज्वेलरी होल्डर, ये तीन साइजेस में था, 2 stories एंड देन 3 stories, ज़्यादा स्पेस नहीं है अंदर, लेकिन बहुत क्यूट है। इसमें मैं अपनी पायल और रिंग्स रख रही हूँ, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बहुत प्यारा लगता है, कलरफुल है और ब्लू है तो गोज विद द थीम ऑफ माई रूम। आपने अगर नोटिस किया होगा तो गिलहरी जी चली गई हैं, तो थैंक यू गिलहरी जी, पूरे हॉल तक रही गिलहरी जी, अब जाकर गई है। सिर्फ एक चीज़ बची है और वो है ये कप एंड सॉसर सेट। केयरफुल रहना पड़ता है, अगर टूट जाएगा इनमें से कुछ तो मेरा दिल भी टूट जाएगा। घर में कप्स नहीं थे तो 4 लोग आते थे, उन्हें 4 अलग अलग शेप साइज कलर के कप्स में पिलाना पड़ता था चाय, बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। अब ये प्रिटी कप्स आ गए हैं तो आई एम होपिंग कि जल्दी घर में कोई आए, किसी को इनवाइट करूं। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल, अगेन द सेम प्रिंट, मुगल प्रिंट, और इनके साथ है 6 का सेट है ये प्लेट। तो बस ये सब था, आई एम क्वाइट हैप्पी विद द परचेज, आई एम सो ग्लैड आई कुड गो टू खुर्जा। बुलंदशहर आने से पहले मुझे खुर्जा के बारे में नहीं पता था। पॉटरी सीखने का शौक़ मुझे 3-4 साल पहले से लग गया था और कुशीनगर में मैंने थोड़ा बहुत सीखना चालू भी कर दिया था। जो कुम्हार का असली बड़ा चक्का होता है जिसको हाथ से चलाते हैं, उसमें पॉटरी सीखना चालू कर दिया था। तब तक भी नहीं पता था कि बुलंदशहर में अभिषेक का ट्रांसफ़र होगा। जब हुआ तो खुर्जा के बारे में विकिपीडिया में पढ़ा और मुझे लगा बस ये तो डेस्टिनी है, आई एम मेंट टू मेक पॉट्स, आई एम मेंट टू लर्न पॉटरी। मेरी मम्मी कहती है कि मैं पिछले जन्म में कुम्हार थी और मुझे लगता है सही कहती हैं। पॉटरी से अच्छी हॉबी मुझे आज तक नहीं मिली। मैं पहली बार गई थी तो मुझे रेट्स का आइडिया नहीं था और जो रिसीट थी वो इसी पैंट की पॉकेट में मैंने रखी थी, यही पैंट मैं पहन के भी गई थी और मम्मी ने ये पैंट आने के बाद धोने डाल दी। तो हर बदतमीज बच्चे की तरह मैंने भी मम्मी को बोला मेरा सामान मत छुआ करो, मेरी रिसीट चली गई। तो इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए रेट्स नहीं बता पा रही हूँ, उसके आपसे सॉरी और बदतमीजी के लिए मम्मी से सॉरी। जो खुर्जा में रहते हैं और जेन्युइनली उनको रेट्स का पता है वो प्लीज़ नीचे कॉमेंट्स कर दीजिएगा, मेरे को हेल्प मिलेगी नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी। और लोग जो वीडियो देखते हैं वो भी आपका कमेंट रीड कर पाएंगे और उनको भी आइडिया लगेगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेकर गई थी खुर्जा, अगर आप दूर कहीं से आएँ तो प्लीज़, गिलहरी दोबारा शुरू हो गई है, अगर आप दूर कहीं से आएँ तो प्लीज़ बहुत सारा टाइम लेकर आएँ, क्योंकि मार्केट बड़ा है, वैरायटी है, बहुत सारा सामान है, तो डिसाइड करने में, सोचने में
टाइम लगता है, खुर्जा में टाइम कैसे उड़ जाता है किसी को पता नहीं चलता। तो हॉल वॉल सब हो गया, अब है ब्यूटीफुल स्टोरी के बाद। इस शॉप का नाम है छाबड़ा इंडस्ट्रीज और इसके ओनर हैं खान जी। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, खान जी ओनर, नाम छाबड़ा इंडस्ट्रीज। तो वहाँ उनके ग्रैंडसन थे शॉप में, उन्होंने बताया कि छाबड़ा साहब और खान साहब बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स। छाबड़ा जी को फैक्ट्री बेचनी थी, शहर से मूव आउट होना था, तो उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड से बोला कि तुम खरीद लो। रजिस्ट्री करने गए और छाबड़ा जी ने सिग्नेचर कर दिया और बोला मुझे पैसे मिल गए। तब तक पैसे नहीं मिले थे, खरीदा था नहीं। तो छाबड़ा जी के सन ने, ऑफ कोर्स कोई भी बोलेगा, सन ने बोला कि पैसे तो अभी तक आए नहीं। उन्होंने बोला मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जब मुझे ज़रूरत होगी, जब मुझे शहर छोड़कर जाना होगा तब दे देगा। ऐसा ही हुआ भी, जब उनको ज़रूरत थी तब उनको पूरे पैसे मिल गए। उनके जाने के बाद खान जी ने फैक्ट्री का नाम चेंज नहीं किया। कुछ सालों बाद एक नई फैक्ट्री भी खोली और उसका नाम भी छाबड़ा इंडस्ट्रीज ही रखा, अपने दोस्त के नाम पे। मैं थोड़ा शकी हूँ। घर आकर मैंने अभिषेक से बोला कि गुडविल होगी, फैक्ट्री का नाम होगा, छाबड़ा इंडस्ट्रीज का नाम होगा, तो चेंज नहीं किया। अभिषेक ने बोला स्टोरी को मलाइन मत करो, उन्होंने अपने दोस्त के लिए रखा, उसके प्यार में रखा, उसकी याद में रखा, और यही रीज़न था। तो आप मेरी तरह शकी मत बनिए, विश्वास रखिए दुनिया की अच्छाई में। ये है हमारे देश की मिट्टी, ये है मिट्टी से बना हुआ हमारे देश का पॉट, और ये स्टोरी थी हमारे देश की संस्कृति। आज शाम की जब आप चाय पियेंगे तो इन दो दोस्तों की दोस्ती के नाम पीना।